पिछले वीडियो में हमने नैनीताल ज़िले में स्थित कॉर्बेट म्यूजियम की सैर करी। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कॉर्बेट म्यूजियम से थोड़ा सा दूर कॉर्बेट वाटरफॉल को। कालाढूंगी के पास नया गांव तिराहे से बाईं ओर जाने वाली रोड से बाजपुर काशीपुर की ओर जा सकते हैं और दाईं ओर जाने वाली सड़क से बैलपड़ाव रामनगर और उससे आगे जा सकते हैं। इसी रोड में तिराहे से लगभग 1 किलोमीटर बाद है आज हमारे सफर का डेस्टिनेशन कॉर्बेट फॉल। स्वागत है आपका पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल के कॉर्बेट फॉल की जानकारी देते वीडियो में। रोड के दाईं ओर सुंदर आर्टिस्टिक कॉर्बेट फॉल का प्रवेश द्वार। इस जगह से कॉर्बेट फॉल की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। कॉर्बेट पार्क में प्रवेश का समय, बंद होने का समय, प्रति व्यक्ति चार्ज के साथ वाहनों के लिए प्रवेश शुल्क जो यहाँ स्क्रीन पर देखा जा सकता है, साथ में देख सकते हैं वीडियोग्राफी शुल्क के साथ कुछ नियम व सावधानियों के बारे में। कॉर्बेट फॉल में एंट्री के लिए टिकट का काउंटर मुख्य गेट के पास है। कॉर्बेट वाटरफॉल का मुख्य प्रवेश द्वार और एंट्री गेट के पास खूबसूरत नजर आता है एक पार्क। इस पार्क में वन्य प्राणियों के डमी बने हैं। साथ ही उनमें वन्य जीवों से जुड़ी रोचक जानकारियां अलग अलग बोर्ड्स में दर्शाई गई हैं। मॉनसून के समय जुलाई से सितंबर तक इस क्षेत्र में अत्यधिक जलभराव के साथ लंबी घास और झाड़ियां उगाती हैं। इस कारण विजिटर्स की सुरक्षा हेतु कॉर्बेट फॉल को इन 3 माह के लिए बंद रखा जाता है। यहां से कॉर्बेट फॉल की दूरी 2 किलोमीटर है, जिसे पैदल सैर करते हुए 2-व्हीलर या 4-व्हीलर के द्वारा तय किया जा सकता है। कॉर्बेट फॉल के निकट वाहनों की पार्किंग बनी है और पार्किंग से कुछ कदम की दूरी पर है कॉर्बेट वाटरफॉल। यात्रियों की सुरक्षा के लिए वाटरफॉल के एकदम निकट जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जाती है। यह जगह वन्य जीवों और प्रकृति को समर्पित है, इसलिए यहाँ ऊंची आवाज में बात करने के साथ किसी भी तरह के नशे करना प्रतिबंधित है। यहाँ विचरण करने वाले लंगूरों बंदरों को कुछ भी खिलाने से बचें, क्योंकि उन्हें कुछ खिलाने से वो दूसरे सैलानियों से भी खाना मिलने की उम्मीद में उनके बैग्स में झपट सकते हैं, जिससे यहाँ कई लोग चोटिल भी हो जाते हैं। वन्य संपदा से भरपूर इस क्षेत्र में वन्य प्राणियों को भोजन के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। हम वन्य जीवों के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए वन्य जीवों और वन्य संपदा के आराम और सुविधा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। कॉर्बेट फॉल एक प्राकृतिक झरना है जो घने सागौन के जंगल से घिरा हुआ है। इस जगह सैलानी घंटों बिताते हैं। कॉर्बेट फॉल की टाइमिंग यहाँ लगे बोर्ड के अनुसार अप्रैल से जून तक सुबह 10 से शाम 4:30 बजे तक और अक्टूबर से मार्च माह तक सुबह 10 से शाम 3:30 बजे तक है। कॉर्बेट फॉल देखने वाले सैलानी कालाढूंगी में रुकने के साथ नैनीताल रामनगर कॉर्बेट पार्क में घूमने आए सैलानी भी यहाँ पर आकर डे विजिट कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न पक्षियों और वनस्पतियों को भी देखा जा सकता है।
घने जंगल में प्रकृति के शांत और सुरम्य वातावरण के बीच पहाड़ से गिरता झरना अपने आप में रोमांच पैदा करता है। झरने की आवाज और पक्षियों का कलरव स्वर वातावरण में खूबसूरत संगीत घोल देता है। यह झरना 20 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। कॉर्बेट फॉल में इस झरने का स्रोत यहां से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर है। साथ ही मार्ग में कई अन्य जलधाराएं भी इस धार से मिलकर इसे खूबसूरत मनमोहक वाटरफॉल बनाती हैं। यहां साल दर साल पर्यटकों की तादाद बढ़ती जा रही है, मुख्यतः गर्मियों के मौसम में। कॉर्बेट फॉल तक हल्द्वानी, नैनीताल, कालाढूंगी, रामनगर, रुद्रपुर या काशीपुर से टैक्सी अथवा बस द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। पॉपकॉर्न ट्रिप के आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और डेस्टिनेशन की जानकारी के साथ। वीडियो के सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।